शरयाम शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके रामलीला मैदान के बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ हुई लूट। 2 लैपटॉप 50,000 रुपये सहित तमाम कीमती सामान की हुई लूट। 2 साल पहले एक ऐसी बड़ी घटना हुई थी जिसमें लाखों की नकदी सहित जरूरी सामान की हुई थी लूट। शहर में लुटेरे दे रहे पुलिस को खुलेआम चुनौती। शरयाम व्यापारी से हुई लूट की घटना। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। अधिकारी लखनऊ से बांदा आए थे कंपनी के निजी कार्य हेतु। अपराधियों के हौसले बुलंद। सिटी कोतवाली से महज 900 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मामला बांदा शहर कोतवाली के रामलीला रोड का है। तो शुक्ला आशुतोष जी, क्या घटना हुई है, किस तरह की घटना? मैं आशुतोष शुक्ला, कानपुर निवासी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर, अपने साथ अधिकारी श्री रजनीश द्विवेदी निवासी लखनऊ के साथ यहाँ पर ऑफिशियल विजिट में आया था और हम लोग दोपहर में अपना डॉक्टरों से मिल करके काम ख़त्म करके यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी पार्क करी सामने और दूरिया भोजनालय में हम लोग खाना खाने के लिए गए। मेरा भैया नाम रजनीश द्विवेदी है। अभी क्या घटना हुई है? अभी ये घटना हुई कि हम लगभग 3:20 के आसपास में यहाँ आए। हमने गाड़ी पार्क करी और गाड़ी पार्क करके हम 10 मिनट यहाँ एक भोजनालय है वहाँ खाना खाने गए और वहाँ पर जैसे ही खाना खाने गए लगभग 15 से 20 मिनट हमको लगा होगा जाके खाना खा के यहाँ वापस आने में, मुश्किल से 20 मिनट का। जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि ये शीशा टूटा हुआ कैसे हुआ। जैसे मैं ड्राइविंग से इधर से इंटर करने लगा, मैंने झांक के अंदर देखा तो 3 बैग जिसमें से 2 लैपटॉप 2 बैग में थे, अलग अलग बैग थे, और 1 कपड़े का बैग था। वो सारे के सारे बैग पूरे गायब हो गए। और जब मैंने अंदर झांका तो शीशा टूटा पूरा फूटा पड़ा हुआ था। क्या लगता है किन लोगों का होगा ये? तो सर साफ साफ जाहिर सी बात है, चोरी का केस है, सीधा सीधा बड़ा गैंग है, चोरी की गई है और गैंग का ही काम है। क्योंकि अभी हमने जो CCTV देखी आसपास के जी, उसमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 15-20 मिनट से 4 लड़के तो साफ साफ दिख रहे थे वीडियो के अंदर कि पूरी रेकी कर रहे हैं, एकदम पूरी व्यवस्थित तरीके से। एक आदमी इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, एक कार के इधर साइड में खड़ा और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं फिर उधर जा रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं और सिग्नल एक दूसरे को जैसे दे रहे हैं। पूरी तैयारी करके कम से कम 4-5 लोगों का गिरोह था जिसने कांड किया। कितना नगद था उसमें बैग में? लगभग सर 50,000-60,000 के आस के बीच में नगद पैसा था जी। लैपटॉप थे उसमें, डेटा केबल, माउस, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जी जी, मेरे सारे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ID कार्ड, वो सारा था। लगभग कीमत कितनी सोचे आप? अब ये मान के चलिए कपड़ा वपड़ा अगर हम सब मिला लें तो आप लगे 1.5 लाख रुपए के आसपास का सारा हमारा सामान जी। कौन है आप, कहाँ से आए थे? तो मैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में काम करता हूँ, जिसकी आपने सुनी होगी कोविड में मशहूर था वो फेविफ्लू आई थी जी। मैं उसी कंपनी में हूँ, मैं सेल्स हेड हूँ यूपी का जी। यहाँ पर बस उसी वर्किंग के ही पर्पज़ से आया था जी। वर्किंग करके हम लोग बस वही खाना खाने आए थे और यहाँ से उसके बाद हमें वापस लखनऊ जाना था, लखनऊ से मैं आया था। पुलिस को बुलाया आपने? पुलिस को बुलाए हम आए, उन लोगों ने देखा लेकिन बात वहीं के वहीं। अब उन्होंने CCTV देखी और सारी चीज़ें देखी लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, इतना तो जरूर आया उन्होंने भी ये देखा जी कि कैसे 3 लोग पूरी प्लानिंग के साथ रेकी कर रहे थे जी। और पूरी पुलिस प्लानिंग ने रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया? पुलिस ने रिस्पॉन्स सिर्फ इतना दिया है अभी तक मुझे कि मेरे साथ CCTV देखने गए बस, इसके अलावा मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए सर, रिस्पॉन्स तो मैं तभी मानूंगा जब मेरा कुछ काम आगे बढ़े जी। हम तो वहीं खड़े हैं, CCTV तो हमने भी देख लिया जी। उसके बाद क्या हुआ अभी कुछ नहीं, मैंने DIG साहब को भी फ़ोन किया, IG साहब को सॉरी हाँ, तो IG जो रेंज है उनसे मेरी अभी भी जज्बात हुई। क्या बोले IG साहब, क्या बोले? उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए कोतवाली में दे दीजिए, पुलिस अपना काम करेगी और हमको जैसे ही मिलेगा हम ला के दे देंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब सर आप बताइए ना, हम में किसी भी अधिकारी के पास जिम्मेदार अधिकारी हैं वो, तो वो यही बोलेंगे, एक जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी बड़े पद पे हैं तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ उल्टा वो तो कहेंगे नहीं कि काम नहीं होगा। उन्होंने अपनी मेरे से अच्छे से बात की जी जी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को सुना और अब आश्वासन भी दिया आपने जी। अब मुझे इंतजार ये है कि वो तुरंत अगर कार्रवाई करें इस पर तो हो सकता है बरामदगी हो जाए जी। थैंक यू। अब जो पता